और इस वक्त आ रही एक और बड़ी खबर, इस वक्त आपको बता दें, दरअसल तमिलनाडु से खबर है जहां पर बीएसपी अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है। तमिलनाडु बीएसपी अध्यक्ष की हत्या हो गई है और चेन्नई में आर्मस्ट्रांग की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। यह अपने आप में बेहद गंभीर मामला और राज्य सरकार के पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली ये खबर। बता दें कि पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच में जुटी है, लेकिन जो तमाम कार्यकर्ता हैं, हथियार से चेन्नई में तमिलनाडु बीएसपी अध्यक्ष की हत्या कर दी गई। और देखिए, इस घटना पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स हैंडल पर पोस्ट भी किया है और दोषियों को कार्रवाई की मांग की गई है, दोषियों को सजा देने की मांग की है उन्होंने इस पोस्ट में। उन्होंने क्या लिखा वो आपके सामने है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने देखिए एक्स हैंडल पर लिखा है कि बीएसपी तमिलनाडु स्टेट यूनिट के अध्यक्ष श्री के आर्मस्ट्रांग की आज शाम उनके चेन्नई आवास के बाहर की गई नृशंस हत्या अति दुखद व अति निंदनीय है। पेशे से वकील श्री आर्मस्ट्रांग राज्य में दलितों की सशक्त आवाज के रूप में जाने जाते थे। सरकार दोषियों के खिलाफ अविलंब सख्त कार्रवाई करे। तो बीएसपी अध्यक्ष की तरफ से सीधे तौर पर इस पूरे मामले पर निंदा भी की गई और कार्रवाई की मांग की गई है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल बीएसपी तमिलनाडु स्टेट यूनिट के अध्यक्ष थे श्री के आर्मस्ट्रांग के आर्मस्ट्रांग की उनके घर के बाहरी धारदार हथियारों से हमला करके हत्या कर दी गई, जिस पर दुख भी जाहिर किया है बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने और इस घटना की निंदा करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है।